हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मलाई चिंगड़ी। मलाई चिंगड़ी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे एक पाव बागदा चिंगड़ी मछली, दो कटा हुआ प्याज, दो कटा हुआ टमाटर, तीन चार हरी मिर्च, पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक, ये है हमारा सूखा मसाला, हल्दी, रेड मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, दो रेड मिर्च, ये गरम मसाला, नमक और ये हमारा खड़ा मसाला। यहाँ ले लिया मैंने एक कप कोकोनट मिल्क। इसको मैंने मिक्सी में फिश के कोकोनट मिल्क को अलग कर लिया है। इसे आप मार्केट से भी इजीली परचेस कर सकते हैं, पर घर का बना हुआ ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैंने घर पर ही बना लिया है। और ये है अमूल बटर। तो आइए अब बना के दिखाते हैं रेसिपी। यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई रख दिया गैस चूल्हे पे। अब कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हमने सारे मछली को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम सारे मछलियों में हल्दी और नमक लगा के अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके थोड़ी देर बाद तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तेल हमारा गरम हो गया है, अब फ्राई कर लेते हैं मछलियों को। पहले एक एक करके सारे मछली को डाल देंगे तेल में। थोड़ी देर में मछली का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मछली का कलर रेड हो जाएगा। ये झींगा मछली फ्राई करने के बाद रेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है इसका। अब इसका एक साइड हो फ्राई हो चुका है। अब मछली को हम सारे पलट देंगे। दूसरे साइड भी फ्राई होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिश हमारा ये फ्राई हो गया अच्छे से। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जितना ऑयल बचा है इसमें इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले को। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम खड़ा मसाला। खड़ा मसाला डालने के बाद डालेंगे इसमें रेड मिर्च, जो हमने दो प्याज काट के रख दिया था, अब डाल देंगे इसमें। प्याज को हमने ये डीप फ्राई कर लिया है डीप। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच अदरक, आधा चम्मच लहसुन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
अदरक लहसुन हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है। अब डाल देंगे हम इसमें दो टमाटर काट के रखा था वो टमाटर हम डाल देंगे अब इसमें। टमाटर को भी थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब टमाटर हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा थोड़ा नीचे लग गया है तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2-3 मिनट हो गया है। अब देखते हैं हमारा मसाला क्या हुआ है। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। मसाला बिल्कुल माइल्ड हो गया अच्छे से। थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे इसको। अब मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे मछली को डाल देंगे इसमें। मछली को डाल के 1-2 मिनट इस मसाले के साथ हम फ्राई कर लेंगे मछली को भी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देख के मुंह में पानी आ गया। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ ही रहा होगा देख के। अब हम डालेंगे इसमें जो मैंने कोकोनट मिल्क निकाल के रखा था वो डाल देंगे अब इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब हम हल्का सा उबाल आने के बाद इसको हम 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारा मलाई चिंगड़ी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए उबाल आ गया है इसमें। अब हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं स्लो फ्लेम में। 5 मिनट बाद फिर देखते हैं। पांच मिनट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा मलाई चिंगड़ी का क्या हाल है। देखिए मलाई चिंगड़ी हमारा रेडी हो चुका है लगभग। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने हरी मिर्च काट के रखा था उसको डाल देंगे हरी मिर्च को ऊपर से। और हल्का सा गरम मसाला डालेंगे ऊपर से। हमारा मलाई चिंगड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है यार।
देख के लग रहा है बहुत ही टेस्टी बना है। हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे। बर्तन में निकालने से पहले हम इसमें 3-4 टुकड़ा बटर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बटर इसमें पिघल के मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको इसी बर्तन में निकालते हैं, निकलने के बाद खाने में सर्व करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को चिंगड़ी मछली का मलाई कढ़ी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये रेसिपी आप लोग भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।